लगाते रहते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे देखा होगा आप लोग ने, व्हाट्सएप पे देखा होगा। तेरी चम चम से, तेरी चम चम से जो ना थोड़ा सा छोटा था उसके कारण ना थोड़ा सा लग गया, तो क्या कैसे नहीं ऐसा होते रहते हैं। बर्दाश्त करके जा रहे हैं अभी ना, अभी हम पहुंचने वाले सिर्फ 8 किलोमीटर बाकी है यहाँ से टंग से पहुंचने के। आज का एडवेंचर जो है ना भाई खत्म, अलग ही लेवल हो गया है गाइस। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो आज का एपिसोड है थर्ड एपिसोड की, एंड आज हम निकल रहे हो पैंगोंग के लिए। हमने सुबह उठा था 4:30 एंड निकालने के लिए सोचा था 5 बजे, लेकिन हो नहीं पाया गाइस है ना, सॉरी, क्योंकि ड्राइवर भैया पता नहीं कहाँ चला गया ना, इसके कारण हमें निकल नहीं पाया। सो अभी हम निकलता हूँ बिकॉज बहुत लेट हो चुका है गाइस है ना। सुबह हमने कुछ नहीं खाया, बस एक कॉफी पिया एंड अदरवाइज कुछ नहीं खाया। अभी निकलता हूँ यहाँ से, गाड़ी तैयार हो चुका है, एपिसोड 3 है एंड पैंगोंग लेक में मिलेंगे। सो लेट्स गो। देखो देखिए पहले हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत खतरनाक जगह, यहाँ से जाते हैं पैंगोंग लेक वे फ्रॉम सहयोग थ्रू, एंड ये जो रास्ता है बहुत खतरनाक है। जैसे कि गाड़ी लोग है ना, यहाँ से अगर मतलब फंस गया तो फंस गया, अदरवाइज है ना जा नहीं पाएगा। अगर यहाँ से नहीं फंसा तो फिर जा पाएगा। देख सकते हैं यहाँ से ना बहुत मतलब गहरा है एंड पानी के मतलब लाइक लैंडस्लाइड की तरह आ रहे हैं, वहाँ से ना ऊपर से पानी आ रहा है। सो बहुत गाड़ी मतलब अगर यहाँ से फंस गए तो सोचो है ना आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल है पैंगोंग लेक। एंड हम लोग तो मतलब यहाँ से छूट गया गाड़ी है ना, सो आगे हम लोग पिकअप करने गया था, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। सो जैन भाई कहाँ गया यार, पता नहीं कहाँ फंस गया वो आ गया। ओके गाइस, सो अभी चलता हूँ ना, फिर आगे जाके देखता हूँ ना क्या क्या बहुत खतरनाक रास्ते आने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं दुर्भुग, सहयोग से हमने पार कर लिया जो कि खतरनाक रास्ता था, वो सारी चीज़ें हमने पार कर लिया। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के बीच में, आज का एडवेंचर जो है ना अलग ही हो गया, पूरा पहाड़ी पहाड़ है आप लोग देख सकते हैं, जैसे है ना पूरा की पूरा पहाड़ है यहाँ पे। एंड जैन भाई तो पूरा थक चुका है ना टोटली यार, पहाड़िया मुझे लगता है ना जैन, वॉमिटिंग हो रही है। हाँ मुझे भी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है एंड उल्टी, इतना सा मतलब उल्टी का वो हो रहा है ना फिर, तो बर्दाश्त करके जा रहे हैं अभी ना। अभी हम पहुंचने वाले सिर्फ 8 किलोमीटर बाकी है यहाँ से टंग से पहुंचने के लिए दुर्भुग, सॉरी, तो उसके बाद हम लोग पैंगोंग में पहुंचेगा। आज का एडवेंचर जो है ना भाई खत्म, अलग ही लेवल हो गया है गाइस। सो फाइनली वी आर डन विद ब्रेकफास्ट गाइस है ना, अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया एंड ब्रेकफास्ट इतना अच्छा था ना लिटरली क्या बताऊँ, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे ना एंड सारी चीज़ें अच्छा लगता ने किया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ये जो लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन ये है टंग से मतलब दुर्भुग पड़ रहा है। दुर्भुग जो है एक ब्लॉक है मतलब है ना गाँव का एक ब्लॉक है, हमारा गाँव का भी ब्लॉक दुर्भुग है। एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पैंगोंग लेक नियर अबाउट होगा शायद मेरे ख्याल से 100 कुछ किलोमीटर्स होगा आई थिंक सो। एंड अभी पहुंचेगा हम लोग 1.5 घंटे पे है ना, नियर अबाउट कुछ 1.5 घंटा लगेगा शायद मेरे ख्याल से। एंड गाड़ी यहाँ पे है एंड अभी जैसे ना थोड़ा सा मतलब गाड़ी पे चोट लगी है ना बिकॉज क्योंकि हमारा गाड़ी यहाँ से जस्ट जा रहा था ठीक है, और वहाँ से एक टीम को आया था एंड रास्ता जो है ना थोड़ा सा छोटा था उसके कारण ना थोड़ा सा लग गया है। सो क्या कैसे नहीं ऐसा होते रहता है, वी एवरीथिंग इज इम्प्रूवमेंट, सो दैट्स वे। अभी गैस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से पैंगोंग लेक के लिए, अभी हमने जस्ट कम्प्लीट कर लिया खाना है ना, सो निकलता हूँ यहाँ से। Hours later. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुका है, जहां हम आना है वहीं पहुंच चुका है गाइस, जो कि उसका नाम है पैंगोंग लेक। गाइस देख सकते हैं यहां पे पैंगोंग लेक पे सामने बैठा हूं मैं तो ना, वैसे तो मैं मतलब मेरा गांव यहां से नजदीक पड़ता है लिटरली लगभग अराउंड आधा घंटा लगता है, बट हम पहले बहुत आते रहते हैं ना। सो आज मतलब जैन और चिलोसन के साथ आया है बिकॉज उन्होंने कहा कि ना मेरे को उतना उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि ना कहाँ जाना है मतलब कहाँ नहीं रुकना है, तो मैंने बोला कि ना उनको कैसे चल रहे थे, मैं भी जाने का मन था तो आ गया। लेकिन यहाँ पे हवा चल रहा है गाइस, हवा है ना इसके कारण मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, एडजस्ट कर लेना ठीक है गाइस। सो जो 3 इडियट्स का लोग मतलब आमिर खान और दो बंदों को नाम मुझे पता नहीं है लोग बैठते ना उसका मतलब ये मतलब 3 रखा ना वही है एंड स्कूटी पे है मतलब स्कूटी बहुत सारा रखा है बस ये तो मतलब एक तो ये होना चाहिए ना एग्जैक्ट आमिर खान ने जो बैठा है स्कूटी है ना वो तो दिखानी चाहिए, बट वी रियली डोंट नो कि ना ये कौन सा बैठा है कहाँ बैठा है, जो बैठा है सो बैठा है। बट मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रॉपरली पैंगोंग लेक है जो कि ये है पैंगोंग लेक, बहुत खूबसूरत 3-3 कलर है, तो खैर 3-3 कलर दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं जा रहा था यहाँ से ना तो लुकुंग से
मतलब लुकुंग जो है यहाँ पेंगोंग लेक से नजदीक का एक गांव है, गांव का जो एक दादी है बहुत फेमस है एंड गाना गाते रहते हैं ना, बहुत गाना अच्छा गाते है। सो दीदी कह रहे मेरे को ना मैं एक गाना गा के दिखाऊंगा ना, सो लेट्स सी गाइस ना दीदी। ओके अभी लिया तेरी चम चम से तेरी डम डम तू नचा ओजले। थैंक यू सो मच अभी ले। सो गाइस दादी ने बहुत अच्छा गाना गाया, जैसे कि आप लोगों को बताया ना दादी ऐसा गाना गाते रहते हैं, तो मैंने देखा था ना दादी खुद ने मेरे को बताया ना मैं गाना गाऊंगा, सो इसलिए दादी ने बहुत अच्छा गाना गाया। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए ना, इसको इसको तो स्पेशली व्यूज आना चाहिए गाइस। ओके गाइस, सो फाइनली हमारा शूट सारे जितना भी हमने शूट वगैरह करने था, जितना भी व्लॉग्स वगैरह बनाना था सारे बना लिया। एंड पेंगोंग लेक पे मेन चीज ये है कि यहाँ पे ना मतलब थ्री इडियट्स का मतलब जो पिछवाड़ा तीन है ना वहीं पे बैठने एंड स्कूटी पे बैठने एंड ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना एंड यहाँ पे है एक याक पे चढ़ना, वही स्पेशली है एंड कुछ खास नहीं है। तो हम जा रहे हैं अभी वापस ले सीधा एंड हमने अभी यहाँ पे लॉन्च नहीं किया क्योंकि हमने जस्ट लॉन्च कार के आया वहाँ पे दुर्बुक से, अभी हम वापस ही दुर्बुक जाएंगे एंड वापस दुर्बुक में मतलब लॉन्च वगैरह करेगा। सो अभी बाकी तो कुछ नहीं है स्पेशल है ना, एंड मुझे ये समझ में नहीं लगेगा ना पेंगोंग लेक में जो मेन प्रॉपर आमिर खान ने जो स्कूटी पे बैठा ना, मैंने पूछा एक भैया को ना भैया जो मेन आमिर खान ने स्कूटी कहाँ पे बैठा मुझे बैठवाना है वहाँ पे ना मुझे बैठाना है, लेकिन पता है भैया ने बताया मुझे आई डोंट है ना बाकी चीजें यहाँ पे जितना भी स्कूटी रखा ना इस काइंड ऑफ बिजनेस आप लोगों को पता है ना। एंड आई रियली डोंट नो कह रहा जो मेन आमिर खान बैठा हो तो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो कह रहा मुझे लगता है वो नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पे ना लोग बहुत मेहनत करके आते हैं ना खर्चा करके 50-60-70 हज़ार करके है ना खर्चा करके आते हैं, बट यहाँ रियलिटी जो है ना मतलब ऐसे ही होते हैं। एंड मैं आप लोगों को ना वन सेकेंड बता दो है ना, तो जो आमिर खान और है ना लोग थ्री इडियट्स का शूट हुआ है यहाँ प्रॉपर जो यहाँ नहीं है यहाँ से दूर है, मैं आपको दोबारा बोलूँ। एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए है एंड अदरवाइज यहाँ पे यहाँ पे बिठाने के लिए बैठने के लिए है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। मेरे साथ भी बहुत भूड़ है पहुंच चुका हूँ रूम पे। आज का दिन जो ना इतना हेक्टिक हुआ था बिकॉज ड्राइवर ने इतना गड़ी स्पीड चलाया के एंड हमने बहुत ज्यादा सफर किया आज, लगभग कितना घंटा किया होगा हमने यार बहुत सारा मतलब किलोमीटर्स भी शायद मेरे ख्याल से आई थिंक नियर अबाउट 500 किलोमीटर हमने सफर किया होगा। हम गया था पेंगोंग टू नुब्रा टू पेंगोंग एंड पेंगोंग टू ले लद्दाख सीधा, एंड ड्राइवर ने भी इतना स्पीड गाड़ी चलाना कि हमारे शरीर पे इतना दर्द हो रहा था पूरा शैगी हो गया। अभी मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा दर्द हो तो इसलिए मुझे चाहता है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करूं। एंड लुब्जान एंड जैन दोनों चला गया है होटल पे, आज उनका लास्ट डे है लद्दाख में तो कल जा रहे हैं वो लोग है ना, सो हम अभी रेस्ट करके आज डिनर सारे खा के कल चला जाता हूं मैं उनके पास उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो गैस आज का जो ब्लॉग जो थोड़ा सा मतलब ऐसा शॉर्ट हो गया था तो मैनेज कर लेना आप लोग, एंड आप लोग मेरे से भी समझ रहे कि आप लोग मैनेज कर लेते हैं। तो गैस आज का ब्लॉग जो यहीं पे एंड करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलता हूँ अगले एक ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।